Hi, guys. Welcome to another very, very interesting episode with a very interesting personality. She's been beautifying the people of Delhi, NCR, and Chandigarh since 1997. We have with us Dr. Chiranjeev Chabra. Welcome to this very, very special podcast, a video cast actually. Welcome. This Thank is you. with you. Thank you for inviting me. Um, so, Alive Wellness Clinic. have Delhi, but not to Because Delhi, NCR, there is not even a single way that you can miss if you're driving through the streets of South Delhi, especially in Gurgaon. And you will come across this. बट ऐसे वेलनेस क्लिनिक देख के दिल तो करता है एक बार अंदर जाके देखें तो अंदर होता क्या है यहाँ पे डॉक्टर बिट अबाउट यूर सेल्फ सर्टिफाइडिस्ट मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से की थी सी गर्ल यस एंड देन उसके बाद ये जो लाइन है एस्थेटिक मेडिसिन की या एस्थेटिक डर्माटोलॉजी की वो मैंने उसके बाद आगे पढ़ाई करी <coughs> वेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेन अंडर मास्टर्स एंड फिर उसके बाद मैंने नाइनटीन में अपना क्लिनिक शुरू किया

please stop taking beauty hacks seriously and then spoiling something that is already good for you and this is the reason why we've got Dr. Chabra here with us today for this beautiful podcast she runs the alive wellness clinic uh, since 1997 it's got like more than two decades of now name and branding all across uh, let's talk about the journey and, and the way the game has changed because in 97 was time pe, dr chabra i remember you know like I, i'm from south hicks here in delhi and a clinic hota tha. or you know was time is it down look down upon that i can jate niye look that means which problem etumharisata kritum jahariyoto you know a normal middle class person never thought about the fact that forget beautifying you could preserve What is already given to to you by God's grace? Uh, so, So, the the game changed? How's the changed? field Cut from 97 to 2024. So, मैंने 97 2024. एक डर्माटोलॉजिस्ट हूँ तो एक स्किन प्रैक्टिस का क्लिनिक शुरू किया पर मैंने देखा कि जो लोग आते हैं मेरे पास हुँ. सेवेंटी परसेंट उनकी जो नीड्स हैं उनके उनकी लुक से रिलेटेड है अगर पिगमेंटेशन है तो फेस पे हो गई तो दे विल कम फॉर एन आंसर दाने पिंपल्स हो गए फेस पे दे विल कम फॉर एन आंसर डार्क सर्कल्स हो गए स्किन लूज हो गई तो मैंने देखा कि लोग एक डर्मेटोलॉजी मेरे पास ऐसी कंडीशन के लिए आ रहे हैं जो उनकी लुक से रिलेटेड है अगर मान लो वही पिगमेंटेशन शरीर पर होती उस टाइम पे तो शायद वो ना आते पर क्योंकि वो विजिबल थी इसलिए उन्होंने आना शुरू किया और उस टाइम पे, अगर मैं आपको सच बताऊं उस टाइम पे 1994-5 आउटोलॉजी करी थी नाइनटी फोर थी 94 फोर में तो उस टाइम पे इन चीजों पे फोकस नहीं था करेक्ट पर जब हमने देखा एक मेरी प्रैक्टिस में कि लोग वो डिमांड कर रहे हैं और मुझे उस चीज की नॉलेज पूरी नहीं है hmm. ओके okay. क्योंकि वो चीजें हमारे मेडिकल कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती वो हमारे करिकुलम में नहीं होती और अभी भी बहुत कुछ ऐसा एस्थेटिक मेडिसिन में है एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में है जो करिकुलम में है ही नहीं मतलब एमबीबीएस एमडी के करिकुलम में नहीं है तो ये चीजें अब बाहर फेलोशिप्स के थ्रू और अलग mm. तरीके से सीखी जाती हैं एंड फॉर इस पर्पज के लिए हम एक अकेडमी भी रन कर रहे हैं oh, really? हाँ oh, जिसका wow. नाम है अलाइव इंस्टीट्यूट ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन जहाँ पे हम डॉक्टरों को सिखाते हैं कि एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी और सेटिक्स का काम कैसे करना है एक मेडिकल तरीके से oh, wow. तो उस टाइम पे तो खैर ऐसा कोई एकेडमी थी नहीं Correct. तो मुझे बाहर वर्ल्ड में जाना पड़ा अलग अलग मास्टर्स से सीखना पड़ा म, अमेरिका यूरोप जाके सीख के आना पड़ा और ट्रेनिंग्स करनी पड़ी hmm. कभी कभी ट्रेनिंग हफ्ते दस दिन की होती थी कभी दो दिन की होती थी कभी पंद्रह दिन महीने की होती थी बट ऐसा सीख के जब मैं आई तो मैंने इन प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छे से हैंडल किया क्या प्रॉब्लम्स होती थी उस टाइम के पिगमेंटेशन हो गई दाने हो गए निशान आ गए डार्क सर्कल्स हो गए और धीरे धीरे जैसे 2002, 3 आना शुरू हुआ तो लगा कि लोगों को जब कंट्री में बोटॉक्स आया ठीक yeah, <coughs> yeah. है ना जब कंट्री में बोटॉक्स आया फिलर्स हुई थी अलाउड नहीं था उट तो भी नहीं मतलब वो चीज पे फोकस ही नहीं था उस तो तो टाइम पे तो जब 2002 में जब इन कंट्री में फिलर्स आए बोटॉक्स 2005 में आया तो उस टाइम पे लोगों को हमने एज तो डॉक्टर्स समझाया कि आपके क्या बेनिफिट हो सकती हुँ, हुँ. है तो ऐसे धीरे 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 चीजें बढ़ती गई और फिर हम लेजर्स पे भी काम करते थे लेजर से स्किन की क्वालिटी इंप्रूव करते थे लेजर से पिगमेंटेशन इंप्रूव करते थे साथ में लेजर से हम जन्म के निशान जो होते हैं बर्थ मार्क्स करेक्ट वो भी इम्प्रूव करते थे तो ऐसे धीरे धीरे एक बढ़ती गई एंड अवेयरनेस uh, होती गई और डॉक्टर्स भी और सीखना चाहते थे पहले इन फैक्ट इन मेडिकल फिटर्निटी ऑल्सो

आगे जाके आप और पढ़ो और अपने स्किल्स को बढ़ाओ सो नाउ इट इज अपर स्पेशलिटी एंड आई थिंक वेस्ट इज स्टिल लीडिंग इट नाउ वेस्ट इज गॉन गॉन बियॉन्ड आई मीन आई वॉज इन न्यूयॉर्क एंड एवरी सेकेंड नुक्कड़ बे पे पेज ए वेलनेस क्लिनिक एंड एल एज इंटरनेट बूमिंग आई थिंक ओपनिंग अप एंड पीपल बिकम कंफर्टेबल अब तो हम देखते हैं बैचलर पार्टीज में बोटॉक्स नाइट्स हो रही हैिटीज का बहुत बड़ा हाथ रहा है टू मेक इट नॉर्मलाइज अब टैबू नहीं है कि अगर मैं अच्छी लगना चाहती हूँ और मैं एक डॉक्टर के पास जा रही हूँ अच्छा लगने के लिए या मैं कहीं किसी ट्रीटमेंट के लिए किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट uh, के पास जा रही हूँ तो अभी इसमें कोई वो नहीं है कि अरे मुझे कोई क्या बोलेगा दैट इज अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेबिलिटी हैज कम

स्किन एज क्यों होती है अ स्किन एज तो होगी क्योंकि एक इंसान की क्रोनोलॉजिकल एज क्रोनोलॉजिकल मतलब जो अंदरूनी एज बढ़ती है साल आते हैं तो एजिंग होगी इट्स द नेचुरल पार्ट ऑफ द बॉडी और इंटरनली एक्सटर्नली कि वो उसकी डिजेनरेशन होती है ठीक है तो वो एज हो रही है उसको क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं फिर उसके बाद एक एजिंग होती है एक्सटर्नली लाइफ लाइफस्टाइल कैसा है आपका कितना सन एक्सपोजर है लाइफस्टाइल में क्या आप कैसा खा रहे हैं क्या आपके बैलेंस डाइट है क्या वाइटमिन मिनरल्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनफ हैं कि नहीं नींद कैसी है आपकी आपके टेंशन लेवल्स कैसे हैं कई लोग आपने सुना है ना कि रातों रात, रात लोगों के बाल सफेद हो गए कोई ऐसी टेंशन आई जी, जी जी ना जी, जी, जी. तो फिर ऐसी चीजें होती हैं कि आउटसाइड योर लाइफ एक होता है जेनेटिक्स मतलब आपके तीन चीजें हैं एक अंदर से जो एज चलेगी दूसरा आपके जीन्स कैसी हैं ठीक है कई लोग बहुत यंग लगती हैं फैमिलीज में ओल्ड लगते ही नहीं हैं फेसेस और कई बड़ी जल्दी ओल्ड हो जाते हैं correct, correct. फिर उसके बाद लाइफस्टाइल बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है मतलब दिस इज कॉल्ड एपिजेनेटिक्स कि बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है तो हम अपने तरीकों से लाइफ स्लीप फूड एक्सरसाइज से अपनी एज को अंडर कंट्रोल रख सकते हैं तो वट इज द बेस्ट क्रोनोलॉजिकल एज में पूछूंगी एज इज जस्ट अ नंबर बट वो नंबर कौन सा है जब एंटी एजिंग शुरू कर देनी चाहिए बिकॉज आजकल तो टीनेजर्स भी एंटी एजिंग कर रहे हैं सो so, देखिए ऐसे है कि मैं तो कहती हूँ कि एक बच्चा पैदा होता है <laughs> दो साल का है ना एक दिन बड़ा होगा तो उसकी एज हो रही है सो द एजिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन ऑफ योर बर्थ ओके okay. पर अब इस एजिंग के प्रोसेस को एंटी एजिंग रेमेडीज कब लाई जाए तो मैं कहूंगी कि अगर आप जो एंटी एजिंग एंटी एजिंग का मतलब यंग लगना या ओल्ड ना होने देना ये आप 25 से 30 के बीच में स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने देखा है कि एक लड़की है उसकी इक्कीस साल में शादी हुई उसी शादी में एक बड़ी बहन है जो 28 साल की है हम देख के कह सकते हैं ये बड़ी बहन है और ये ब्राइड है करेक्ट ठीक है ना करेक्ट तो क्योंकि कैसे कह सकते हैं स्किन से कह सकते हैं जो एजिंग है आप समझिए पच्चीस के बाद एविडेंट होनी शुरू हो जाती है एंड आई गेस उस टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं पर क्या करना है उस टाइम पे वो अलग होगा फोर्टीज hmm. में आप अलग करोगे सिक्सटीज में आप अलग करोगे ट्वेंटीज में आप अलग चीजें रेमेडीज करोगे तो बॉडी uh, का कौन सा हिस्सा होता है जहां सबसे पहले साइंस ऑफ एजिंग दिखते हैं मतलब शीशे में अगर देखें तो पूरा देख के तो ठीक ही लगता है hmm. तो कौन से हिस्से को देखें हम कि ये अगर ऐसा हो रहा है तो दैट मीन इट्स शोइंग नाउ देखो इंडियंस में अगर मैं कहूँ क्योंकि हमारा फेशियल स्ट्रक्चर अलग है हा? हाँ हाजी अ uh, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था एक जर्नल में जिसमें वो मॉर्फोटाइप्स इन द वर्ल्ड के मतलब एशियन जो चाइनीज हैं वो कैसे लगते हैं हिंदुस्तानी कैसे लगते हैं और फॉरेनर uh, जो यूरोपियंस कैसे लगते हैं और इस बेसिस पे उनका एंटी एजिंग इलाज कैसे होगा अरे बाप रे इट्स दैट डिटेल यस इट्स दैट डिटेल तो हमारे इंडियंस में ना आइज के आसपास एजिंग जल्दी आती है अगर हम देखें डार्क सर्कल्स फाइन लाइन रिंकल्स अगर आप छोटे बच्चे को भी देखो सात आठ साल के आप कहोगे अरे बहुत पढ़ रहा है तू तो तेरा अगले दिन सुबह तेरे डार्क डा, सर्कल सर्कल्स एग्जाम हुआ बारह साल के बच्चे को कई भी डार्क सर्कल्स आ गए हमारी आइस के आसपास एजिंग बहुत जल्दी आती है एजिंग अराउंड आई इन अर्ली ओनली तो दूसरी चीज के हमारे जैसे एज बढ़ती है तो जो एरिया ज्यादा हिलता है लाइक हमारा माउथ जो है करेक्ट ना माउथ की जो लाइंस हैं फिर उसके आईज के बाद लाफ लाइंस आती हैं लाफ लाइंस के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो ये चीक्स जो है ये थोड़ी सी मतलब फ्लैट हो जाती है सैग uh -huh. हो जाती हैं और जब ये सैग होती हैं तो ये जो लाइन आती है लिप ड्रूप hmm. ये लाइन आ जाती हैं फिर इसके बाद आफ्टर दिस अगर हम देखें तो जो लाइन ढीली हो जाती है जावल्स आ जाते हैं तो अगर हम देख रहे हैं ध्यान से तो ऊपर से नीचे तक आ रहा है बट दिस इज सच अ स्लो प्रोसेस कि वो आप रोज एक साल के लिए फोटो लोगे तो शायद दिखेगा आई डोंट नो हाउ डू यू सी इट यू कैन स्पॉट इट एवरी हैपनिंग देखिए मैंने अपनी मदर को ना ओल्ड होते नहीं देखा ठीक है तो रिजल्ट इतना स्लो है कि हमें पता नहीं चलता हम कब ओल्ड हो गए सो वेन देन एग्जैक्टली दिस कम्स टू द सेम क्वेश्चन डॉक्टर कि क्या वो एक उम्र हो सकती है क्या या वो भी कस्टमाइज होगी सबके लिए इंडिविजुअली कि इस उम्र से शुरू कर दो जैसे आपने बोला um, ट्वेंटी फाइव के बाद से तो शुरू हो ही जाती है चलो यू नो एजिंग प्रोसेस तो एंटी एजिंग तब से शुरू कर दो बट क्या कोई ऐसा भी हो सकता है किसी को थर्टी के बाद जरूरत हो या किसी को शायद ट्वेंटी एट में हो वट्स एट वन एज प्रोबेबली एक नंबर अगर हाँ, आप एंटी एजिंग की बात कर रहे हैं हुँ. तो मैं कहूंगी कि लेट ट्वेंटीज में आप शुरू कर सकते हैं एंटी एजिंग बट जैसे स्किन केयर है स्किन केयर आप लेट टीन में भी शुरू कर सकते हैं स्किन केयर का मतलब स्किन का ध्यान रखना क्या फेस वॉश क्या टोनर क्या मॉइस्चराइजर mm -hmm. क्या सनस्क्रीन यूज mm -hmm. करना है ये चीजें सो सिंपल टेकिंग केयर ऑफ द स्किन शुड स्टार्ट वंस अ वन यजर अ गुड पॉइंट सी डिफरेंस बिटवीन एंटी एजिंग एंड डिफरेंस बिटवीन टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन यू कैन टेक केयर ऑफ योर स्किन ऑल योर लाइफ एंटी एजिंग इज समथिंग विच स्टार्ट लाइक मैम सेट अर्टन एज से आफ्टर ट्वेंटी फाइव और लेट एंड इफ टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन अगर आप अपनी स्किन का ध्यान रख रहे हैं टीन से तो आपकी एंटी एजिंग लेट शुरू होगी वाह हम कंपाउंडेड बेनिफिट्स हैं इसके सो वट वट ऑल कैन बी एनहस और क्योर्ड बाई एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स फॉर द बॉडी यहाँ पे हम बॉडी के ऊपर फोकस कर रहे हैं इन दिस एपिसोड तो uh, जब हम बॉडी की बात करते हैं तो पीपल जनरली सिर्फ फेस का ध्यान रखते हैं बॉडी का नहीं रखते जैसे आपने भी बताया शुरू में आपने देखा था पीपल वर नॉट वेरी कीन कि अगर बॉडी में अंदर कपड़े से ढक जाएगा कुछ अगर निशान है कुछ मार्क है तो जनरली लोग जाते नहीं थे बट नाउ विद ग्रोइंग अवेयरनेस पीपल आर टेंगे हैंड्स ऑल्सो नेक ऑल्सो तो वो क्या ऐसी चीजें हैं जो इनहेंस कर सकते हैं या कंप्लीटली क्योर भी कर सकते हैं ऐसे हमें समझना कि जो एजिंग है बॉडी की कहाँ हो रही है ठीक है अगर अगर हम देखें विजिबल एरियाज तो हैंड्स फीट एंड नेक है अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी नेक ओल्ड हो रही है मुझे नेक के लिए कुछ बताओ ठीक है मैं आपको उसकी सोल्यूशन भी बताऊंगी फिर दूसरा जो ढका हुआ एरिया हम इंडियंस बहुत एक्सपोज कपड़े नहीं पहनते हैं mm. ना हमारा जो एक्चुअल कपड़े पहनने का तरीका है उसे हमारी मिड रेफ या थाइज mm. ऐसे नॉर्मली एक्सपोज नहीं रहते Correct. तो क्या है एजिंग अगर शरीर में हम देख रहे हैं तो क्या है कि स्किन लूज हो गई मसल्स लूज हो गए स्टमक इतना टाइट नहीं रहा जितना पहले था दूसरा स्ट्रेच मार्क्स आ गए चाइल्ड बर्थ के बाद वो बढ़ गए जैसे एज बढ़ी फिर टांगों में सेल्यूलाइट आ गई फिर वेन्स आ गई जैसे टांगों में निशान आ जाते हैं वेन्स के नसें फूल जाती हैं वो दिखाई देती हैं तो ये सब एजिंग का हिस्सा है क्योंकि एजिंग शरीर में तीन लेवल्स पे चल रही है जो विजिबल एजिंग है okay. वो है कि एक जो है एज के हिसाब से हमारी फैट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाती है हमारा फैट लेडीज में पेट पे एक्यूमुलेट होने लग जाता है और आदमियों में भी पेट में दैट इज एजिंग फैट Hmm. मतलब एज रिलेटेड फैट कम्स एरिया, लेडीज़ में थाईज और हिप्स पे भी आता है तो ये भी एजिंग हो रही, दूसरी चीज जो ऊपर की स्किन है वो तो भी ढीली पड़ जाती है उसकी जो सप्पलनेस टाइटनेस वैसी नहीं रहती तीसरी देखा है कि एज जैसे बढ़ती है तो मसल मास गिर जाता है करेक्ट ना कहते हैं ना कि हर डेकेड में पाँच सात परसेंट मसल मास गिरता है और पचास साल के बाद और तेजी से गिरना शुरू हो जाता है तो जब मसल मास गिरता है तो शरीर फूलता है मतलब आपका वेट सेम हो सकता है पर शरीर फूलने लग जाता है क्योंकि वो मसल उसको जो टाइट करके रखा हुआ है स्किन को वो मसल ढीला पड़ गया मतलब वो फैल गया hmm. तो ये एजिंग है हाथों की एजिंग देखें तो हम देखते हैं कि हाथ काले पड़ गए स्किन पतली पड़ गई रिंकल्स आ गए नसें दिखाई देने लग गई तो वो हैंड्स की एजिंग है नेक की एजिंग में हम देखें तो नेक की लाइन्स hmm. जो होती है ना लाइन ऐसे ऐसे लाइन्स होती हैं हम जी, हम जी. वो दिखाई देने लग गई फिर नेक नेक थोड़ी मोटी हो गई है नेक का डार्क हो गई है मतलब उस पिगमेंटेशन आ गई है और नेक में फोल्ड्स आ गए हैं नेक के डबल चिन इंक्रीज हो गई है तो ये नेक एजिंग से रिलेटेड है तो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस और अगर शरीर के अंदर देखें तो लेडीज में स्पेशली जैसे ब्रेस्ट है वो लूज हो जाती हैं या वो श्रिंक कर जाती हैं तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू तो द एजिंग प्रोसेस तो कुछ इसमें से क्योर हो सकता है देखिए तो का मतलब है कि देखियेटली रिवर्स हो सकता है देखिए जिंदगी में ना मेरे हिसाब से जो चीज सत्तर अस्सी परसेंट ठीक हो सकती है मैं उसे क्योर बोलती हूँ ठीक okay. है ओके नंबर वन नंबर टू इज के अगर आप सत्तर अस्सी परसेंट आज आप हंड्रेड है और आप हंड्रेड एट्टी हो गए तो नेचुरली आप बेटर ही हुए हैं ना hmm. तो नेक में अगर मैं देखूँ लेट स्टार्ट विद द नेक वट वी कैन डू फॉर द नेक नेक की स्किन को टाइट करना है उसमें कोलेजन बनानी है कोलेजन बनाने के अलग अलग मशीनें होती हैं कुछ मशीनों का नाम होता है जैसे ये क्या होता है हम जेडीसी लगाते हैं स्किन पे और एक मशीन का हैंडपीस होता है उसको स्किन पे ऐसे घुमाते हैं उससे स्किन में कोलेजन स्टिमुलेट होती है अब हमारे क्लिनिक में हम ऐसे ट्रीटमेंट्स करते हैं जिनको एक्सिलस बोलते हैं एल्थेरपी बोलते हैं थर्माज बोलते हैं और फिर हम एक माइक्रो नीडलिंग भी करते हैं उस माइक्रो नीडलिंग से नीडलिंग ऑफ द स्किन होती है जिससे कोलाजिन स्टिमुलेट होती है फिर एक और ट्रीटमेंट है डर्मा पेन फोर तो इन चीज़ों से मशीन बेस्ड ट्रीटमेंट्स हैं जिससे स्किन में कोलाजिन एक्टिवेट होती है और स्टिमुलेट होती है उसके बढ़ने से स्किन टाइट हो जाती है दूसरी चीज़ कि बहुत ही ईजी बहुत ही फास्ट तरीका जो सबको सूट करता है उसको हम स्किन बूस्टर बोलते हैं क्विक क्विक फिक्स

वैसा तैसा तन, मन तन हाँ। तैसा मन ठीक हाँ। है ना तो मतलब जो अंदर जा रहा है वो हमें इफेक्ट करता है ना मेक मेक फूड और मेडिसिन मेडिसिन देन यू विल नॉट नीड टू टेक आप अपने खाने को ही अपनी दवाई बना लीजिए तो आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्चुअली जैसे अब हम कोविड से निकल गए बाहर आए हमने जितना सोचा फिलोसफिकली सोचा हमें रियलाइज किया कि फूड ही है तो अगर हम क्या करें कि हम एज ना हो या एज स्लो हो जाए तो ऐसे है कि बचपन से हमें न्यूट्रिशियस डाइट जब तक हम टीन के होते हैं हमारी मदर एटलीस्ट हमारे कल्चर में ध्यान रखते हैं हमें बताते हैं ये वो लोग आधा टाइम तो बच्चे माँ बाप की बात सुनते ही नहीं है ठीक है ना तो एक चीज़ है कि अगर आपकी मदर आपके फादर आपकी फैमिली आपको कह रही है कि ये चीजें खा लो आपके लिए अच्छी हैं तो इतना भी रिजिस्ट नहीं करना चाहिए गुड ये दिखाएं आप सारे टीनेजर्स को आपने घर में अच्छा तो क्या खाएँ आप जैसे फ्रूट्स हाँ, हैं सिट्रस फ्रूट्स मौसमी हो गई संतरा हो गया ठीक है ये सिट्रस फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं अलग अलग रंग के फ्रूट्स अच्छे हैं जैसे पपाया पाइनएप्पल तरबूज जो सो ऑल द फ्रूट्स विच कंटेन लॉट ऑफ वाटर वाइटमिन मिनरल्स ये आपको भरपूर मात्रा में लेने चाहिए जी एंड प्रेफर करें कि आप दिन में अलग अलग रंगों के फल लें ठीक है थीके? दूसरी चीज़ ग्रीन वेजिटेबल्स हरी सब्जियां जो वाइटमिन में रिच है और फाइबर में रिच है वो आपकी एजिंग करेंगी इन द लॉन्ग रन देखिए ये ना क्या है कि मैं नहीं कह सकती मैंने एक बार हफ्ते में सब्जी खा ली तो मैं यंग हो गई ठीक <laughs> है <laughs> तो दूसरा ये हो गया तीसरी चीज के पानी हमें पीना है खूब दबा के मतलब कम से कम तीन चार लीटर दिन में कैसे कंप्लीट होता है ये तीन चार लीटर ये ना होता ही नहीं मुझे लगता है एक बोतल होती है सारे हाँ, दिन मुझे तो, तो तो सबको बोलती रहती हूँ पर मैं खुद ही नहीं करती थी <laughs> तो मैंने क्या किया मैं सुबह तीन बोतल काम पे जाने से पहले नौ बजे से पहले मैं एक बोतल लीटर ली, पानी पी लेती हूँ तो मेरा एक लीटर हो गया चलो ठीक है बाकी मैं टेबल पे अपनी तीन बोतल पानी रख देती हूँ तो मुझे पता है कि मैंने शाम को पांच बजे से पहले पहले ये दो ढाई बोतल तो पी लेनी है फर्क फर्क है फरक है पड़ता बहुत फर्क पड़ता है बिकॉज आप गिल्टी फील करते हो अगर आप नहीं पी रहे थे जो स्किन की देखिए हाइड्रेशन ठीक है हाइड्रेशन मतलब अगर आप देखो एक प्लांट है वो सूख जाता है वो कैसे मुरझा जाता है मिट्टी सूख जाती है मुरझा जाती है तो उसी तरीके से कई बार हम कहते हैं मेरी स्किन बड़ी डल लग रही है या डार्क लग रही है या पैची लग रही है जो हाइड्रेशन जैसे पानी कम होगा स्किन का तो स्किन मुरझा जाएगी उसमें ग्लो चला जाएगा उसमें जान चली जाएगी उसका मूड खराब हो जाएगा स्किन का तो हमें सब ध्यान रखना है तो so, uh, आजकल कल uh, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे स्किन के लिए प्रोटीन स्किन के लिए क्या ड्रिंक चल रहा है आर कमिंग कहाँ से अचानक से आ गया है ये मतलब पहले तो ऐसे कभी नहीं बोला मैं ड्रिंक और कॉलेजिन हाँ तो, तो क्या है कि अगर आप खाना ठीक से खाएंगे ना प्रोटीन्स खाने में लेंगे तो आपका वो रेगुलर सोर्स ऑफ कॉलेजिन है ठीक है पर देखिए अब हर चीज नई नई चीजें आती हैं जो मार्केट में लाई जाती हैं चीजें ये कंपनी देखती है कि ये चीज नहीं हो रही है लोग नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से तो collagen, जो मरीन कॉलेज है hmm. जो मरीन मतलब जो फिश से ऑबेन्ड है ठीक hmm. है वो कॉलेजिन बहुत अच्छे से काम करती है आजकल आप देखेंगे प्लांट कॉलेजिन भी है Correct. तो प्लांट कॉलेजिन इज द मरीन कॉलेज इज रिचर्ड एंड द प्लांट कॉलेज ठीक है एंड दूसरा कॉलेजन का असर आप तीन से छह महीने लेंगे तब आएगा

तो जब हम छोटे थे तो हमारी दादी जी किसी की जैसे हड्डी टूटती थी फ्रैक्चर होता हाँ। था वो एक बोन्स होती थी खरोड़े कहते थे खरोड़ों का सूप पिलाते थे करेक, ना जैसे कोई फ्रैक्चर होता हाँ, था हाँ, तो उसमें क्या है हाँ। कॉलेजी नहीं तो है उसमें

सी बास हो हो हाँ। ऑयली फिश होती है चलो, ये बहुत अच्छी uh, के के okay. हड्डियों का सूप चिकन सूप पीना बहुत अच्छा वेजिटेरियंस के लिए आई थिंक ये जो न्यूट्री नगेट्स है इनकी सब्जी बहुत अच्छी है ना सोया सोया बहुत अच्छा टोफू अच्छा है तो पनीर भी खा लें पनीर खा लें दाल का सूप पी लें चने के, चने 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 के का सूप लें, काले चने? काले एंड चने, वो चने से प्रोटीन्स भी आएगी और जो सूप है उससे आयरन भी आएगा तो वो बालों के लिए भी बहुत अच्छा है ग्रेट गाइस ये छोटी छोटी नुस्खे टाइप में बीच में पूछती रहूंगी इनसे टॉकिंग द ट्रीटमेंट्स मैम अब बात करते हैं जो कोई आता है आपके क्लिनिक में वन वॉक्स इन कई बार क्या होता है आपके कस्टमर को खुद पता भी नहीं होता है उसको क्या चाहिए प्रोबेबली प्रोबली वो जिसके लिए आया है शायद उससे ज्यादा जरूरी कुछ और हो hmm. तो वॉट इज द काइंड ऑफ कंसल्टेशन फॉर्मैट जो आप लेते हैं वॉक थ्रू कैसे कराइए जैसे मान लीजिए इज इज कमिंग हु दे टू कम तो किस तरीके से दे बी टेकन केयर आए जैसे आपने मुझसे शुरू में पूछा कि कैसे डर्मेटोलॉजी चेंज हो रही है कैसे कॉन्सेप्ट hmm. चेंज हो रहे हैं उसी तरीके से मैंने देखा जब लेट में या 2010-12 तक लोग आते थे वो बस आके बैठ जाते थे मेरे सामने मैं कहती थी आपको क्या चाहिए तो कहते थे आप बताओ आप डॉक्टर हो तो अब फिर मुझे शुरू करना पड़ता था कि अच्छा मैं सोचती रहती थी कि क्या क्या सो लाइक वट इज हाँ हाँ जैसे आपने मुझे कहा ना कि उनको पता भी नहीं होता था वो चाहते थे कि हम अच्छे लगें बस अच्छा मैं अच्छी नहीं लग रही तो मुझे जाना है मैं अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे जाना है तो फेस की बात कर रही हूँ हम okay. अच्छे लगे तो देन दे वॉन्टेड द डॉक्टर टू डिसाइड ठीक है अब क्या है कि जैसे अब किसी के बाल गिर रहे हैं तो बाल तो दिखाई देते हैं can से कि मेरे बाल कम है बट स्किन के केस में वो डिसाइफर नहीं कर पाते थे कि मेरे मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि मैं बुरी लग रही हूँ या मैं ट्वेंटीज़ hmm. में अच्छी लगती थी थर्टीज़ में मजा नहीं आ रहा अब क्या है कि अब बिकॉज ऑफ सो मच अवेयरनेस आप भी बहुत अवेयर करते हैं रेडियो अवेयर करता है न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया अवेयर करता है सोशल मीडिया अवेयर करता hmm. है उससे लोगों को समझ आ रही है कि मुझे क्या पूछना है तो अभी भी अबाउट फिफ्टी परसेंट ऑफ लोग जो हैं पीपल हैं वो आके बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए बट फिर भी पचास परसेंट ऐसे लोग हैं जो कहते हैं आगे कि बता डॉक्टर मेरे को ऐसे फीलिंग आ रही है आप देख के मुझे बताओ कि मेरी क्या प्रॉब्लम है मुझे क्या चाहिए सो sure, sure. so, हम क्या करते हैं पहले तो हम समझते हैं हम अपने जो भी हमारे पास आते हैं उन्हें पेशेंट बुलाते हैं वो होते नहीं है पेशेंट बट हम थिंकट है तो हम correct हम देखते हैं पूछते हैं कि वो क्या चाहते क्या हैं, वो क्यों हैं हमारे पास हम उनकी इच्छा को समझने की कोशिश करते हैं और हमारी हर पहली कंसल्टेशन 40 मिनट्स से कम से कम की होती है हम बोलने देते हैं उनको कि वट एवर दे वॉन्ट टू से देन उसके बाद हम देखते हैं कि ये इंसान कितना इम्प्रूव होना चाहता है मान लो कोई कहे कि मेरी को मेरी एज ऐसी है मेरे को ये सिम्टम्स है लूज स्किन है रिंकल्स है तो हम देखना चाहते हैं कि वो कितना

फिर हम समझते हैं कि ये इंसान ये करना चाहता है इसके ये इश्यूज़ हैं उसको एग्जामिन करते हैं स्किन में क्या क्या इश्यूज हैं एक मेडिकल तरीके से उसकी फिजिकल असेसमेंट फेस असेसमेंट बॉडी असेसमेंट करी जाती है एक 360 डिग्री तरीके से हुँ. और फिर उसकी बात समझ के उसका एग्जामिनेशन करके फिर केवल उसके बाद ना हम इस पर नहीं रुकते मान लीजिए मैं आपको दस चीजें बता दूँ जी और वो दस चीज़ें हम देखते हैं कि इस टाइम पे ये क्या कंफर्टेबल है करने के लिए और क्या ऐसी चीजें जो इमीजिएटली रिजल्ट देगी तो हम या क्या चीज़ है जो उनको करती है तो हम उसी चीज़ को पहले टैकल करते हैं और राइट सो फर्स्ट वॉट फॉरमोस्ट वॉट द पेशेंट इज वॉकडन फॉर यू फाइंड आउट दैट कंसर्न उसके बाद अगर आपको कुछ दिखता है पर्सनली दैट यू यू नो कुड बेनिफिट फ्रॉम दिस डू यू ऑल्सो गो हैड एंड सजेस्ट टेक वन स्टेप बिकॉज दिस इज वेरी ट्रिकी सिचुएशन क्योंकि एक डर्मर जब अपनी तरफ से कुछ सजेस्ट करता है तो हमेशा सामने पेशेंट को लगता है कि शायद अल्टीरियर uh, मोटिव है दूसरा मोटिव है सो so, हम पूछते हैं सब कुछ समझने के बाद कि क्या कुछ ऐसा और है जो आप चाहते हो कि हम एड्रेस करें तो अगर उन्हें लगता है कि नहीं बस यही है तो हम नहीं बताते ओके okay. ठीक है और अगर जैसे मान लीजिए आप मेरे पास तीन चार बार आ गए आप मेरे को ट्रस्ट कर रहे हैं आप मेरे से फ्रेंडली हैं मैं आपसे फ्रेंडली हूँ तो आप खुद ही पूछेंगे कि अच्छा डॉक्टर मुझे और बताओ क्या मैं इंप्रूव कर सकती हूँ तो इस केस में फिर हम बताते हैं उन्हें आप ये कर सकते हो पर हम कभी किसी को डाउन नहीं करते क्या कह रहे हैं तू तो बेकार है तो तो सब कुछ खराब है <laughs> नहीं uh, yeah. बोलेगा तो पेशेंट का वैसे बिल्कुल नहीं आई एग्री तो जब बॉडी की बात करते हैं क्या ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिसका इफेक्ट पूरी बॉडी पे होता है बॉडी को लेके अगर हम मोस्ट पीपल जो आते हैं वो इंच लॉस फैट रिडक्शन इसके लिए आते हैं बॉडी hmm. काउंटोरिंग के लिए आते हैं यंग गर्ल्स यंग बॉयज आते हैं टीन में शादी से पहले फिर उसके बाद भी आते हैं मतलब अब तो सोचिए कि हर चीज ही ओकेजन या ओकेजन नहीं है तो एवरीबडी वॉन्ट्स टू लुक गुड ऑल द टाइम एंड इट्स नॉट ओनली जस्ट लुकिंग गुड एज फार एसर बॉडीज कंसर्न इट्स अबाउट फिटनेस ऑल्सो करेक्ट क्या आप अपने आप को कितना हेल्दी और फिट रख रह रहे हैं तो उस सिचुएशन में अगर हम कहें कि हम अपने क्लिनिक्स में दो चीजें करते हैं एक सर्जिकल करेक्शंस uh, भी करते हैं और हमारा मेजर काम नॉन सर्जिकल बॉडी काउंटोरिंग का है मतलब अगर हमारे पास जो हमारी स्ट्रेंथ है जी वो नॉन सर्जिकल बॉडी काउंटोरिंग के मतलब बिना सर्जरी के आपके शरीर को हम शेप में कैसे ला सकते हैं तो कैसे होता है तो ये काम हम कर रहे हैं दो से जी। तो मतलब बाईस साल हो गए है तो आप सोचिए कि उस टाइम पे 2002 में हम ऐसी टेक्नोलॉजीज बाहर से लाए जो यूरोप से अमेरिका से जो इन चीज़ों पे एक मेडिकल तरीके से काम करती है ना साइंटिफिक वे अगर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो पूरे बॉडी पे इंच लॉस या फैट रिडक्शन करती हैं कोई टेक्नोलॉजीज हैं जो खाली उस एरिया को मान लो जो, जो स्पॉट स्पॉट है है, एक को फिक्स कर देती हैं हाँ तो एक स्पॉट दैट आल्सो हैपेंस तो अगर कोई आता है हमारे पास कहता है मेरे पेट में फैट ज्यादा है या कोई लेडी कहती है या लड़की कहती है कि मेरा लोअर स्टमक ज्यादा भारी है या मेरे वेस्ट बढ़ गई है या मुझे इंच लॉस करना है मुझे जीन साइज में फिट आना है अब मैं सोलह में फिट आती हूँ मुझे बारह में आना है या मैं चौदह में आती हूँ तो मुझे दस में पहुंचना है तो आप क्या करेंगे Hmm. तो उस केस में पहले हम उसका थ्री सिक्सटी डिग्री एग्जामिनेशन करेंगे कि अरे प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम कहाँ है क्या ओवरऑल प्रॉब्लम है क्या

हेलो एक एंटी एजिंग वर्ल्ड कांग्रेस होती है वहाँ तो इसको अवार्ड मिला था इस टेक्नोलॉजी को तो इसमें हम 15 मिनट फ्रंट लेटाते हैं आगे से और 15 मिनट पीछे से और एक हरे रंग की लाइट के नीचे शेड के नीचे वो फैटी एडिप फैट पेशेंट लेट जाता है जब वो लेटते हैं तो वो क्या करता है कि हम जो फैट सेल्स हैं उनके अंदर फैट जो है उसको मेल्ट करता है और वो फैट को उस, सेल से बाहर निकाल देता है और जब फैट सेल से बाहर निकल जाता है तो सेल्स कर जाती हैं तो जो फैट सेल्स अब नॉर्मल होके मोटी हो गई हैं hmm. वो नॉर्मलाइज हो जाती हैं और वो हेल्थ की तरफ चली जाती हैं ओके okay. तो वो इंच लॉस हो गया okay. और फिर उसके बाद हम एक लिम्फेटिक मसाज करते हैं बॉडी की लिम्फेटिक ड्रेनेज कहते हैं जिसको hmm. उससे वो जो फैट मेल्टेड होता है वो शरीर से धुल जाता है यूरिन स्टूल

उसमें हम कूल cool स्कल्पिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको वो फैट को फ्रीज कर देता है तो उस पॉइंट पे हम उस फैट को फ्रीज कर देते हैं और वो फैट सेल्स डिस्ट्रॉय होके शरीर से अगले दो महीने के अंदर अंदर स्लोली निकल जाती हैं इसका okay. एडवांटेज ये hmm. की है कि इंच लॉस तो होगा मतलब फैट कम होगा शेप बेटर होगी बट बिकॉज एक स्लो पीली महीने के अंदर अंदर एक्सट्रीट हो रहा है तो स्किन श्रिंक करती है तो लूज नहीं होती श्रिंक द क्वेश्चन इज जो बहुत ही मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जिसको हर घर का बड़ा बोलता है तू कर अभी तो कर लेगी अच्छी भी दिख जाएगी फिर बाद में तो वापस आएगा ही आएगा वॉट इज वैलिडिटी पीरियड क्या है इन ट्रीटमेंट्स का और क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए जैसे एक बार अगर मैंने करा लिया तो अब मैं क्या ऐसा कर लूँ कि मेरे को दोबारा पैसे ना खर्चने पड़े मैं ठीक ही रहूँ हाँ तो तो ऐसे है कि मान लो बॉडी पाउटोरिंग कराते हैं तो उसके बाद ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना कि मैं क्या करूं कराने के बाद कि मेरा रिजल्ट बेटर हो मेंटेन रहे और मुझे ये परमानेंट है कि नहीं है कैसे मेंटेन करूं तो ये सब पूछते हैं जो भी हमारे पास आता है और ये सवाल बहुत कॉमन है तो इसका जवाब ये है कि कोई भी आप ऐसा बॉडी काउंटोरिंग ट्रीटमेंट कराते हैं तो नंबर वन ये है कि आप डाइटिंग बेशक ना करें पर आपको डाइट पे अवेयरनेस रखनी है कि मैं क्या खा रही हूँ अगर मैं को इमीजिएटली पोस्ट इमीजिएटली प्रोसीजर कराने के बाद हम कहते हैं कि आप एक तो पानी बढ़ा दो दूसरा आप आधा घंटा वॉक कोशिश करो दिन में करने की ताकि बॉडी मोबाइल फिजिकली बॉडी एक्टिव रहनी चाहिए एंड okay. तीसरी चीजें आप एक बैलेंस डाइट लो और डोंट हैव द रोंग कैलोरीज मतलब रिमेन इन योर कैलोरीज जो आप बॉडी uh, रिक्वायरमेंट है चाहे उससे दस परसेंट कम कर लो पर ईट प्रॉपरली बट रिमेन इन योर कैलरीज और कैलोरीज अच्छी होनी चाहिए आप पूछेंगे की कैलरीज अच्छी और कैलरीज बुरी क्या होती है hmm. ठीक है ना अब कैलोरीज खा रहे हैं मान लो सोलह सो पंद्रह सो अठारह सो बट अच्छी कैलोरीज क्या है और बुरी कैलरीज क्या है तो अच्छी कैलरीज ये हुई कि या बुरी कैलरीज क्या पहले बुरी, बुरी कैलरीज की बात करते हैं <laughs> देखिए जैसे प्रोसेस्ड फूड है तो ऐसी चीजें जो नमकीन हो गए carbs, जो चिप्स और आल्सो बैड का हां सो जो पैकेज में आता है प्रिजर्वड्स के साथ जी. वो प्रोसेस्ड होता है जो फैक्ट्री में बना खाना प्रोसेस्ड है तो आप मोटा मोटा समझ जाएंगे दूसरा प्रोसेस्ड मीट्स भी आते है, hmm. जैसे हैं जैसे हैम्स सॉसेजेस ठीक oh है ऑल दो <laughs> <those. laughs> मेरे मुंह में भी पानी है <laughs> ठीक है तो ये हो गए दूसरी चीज कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा खाना जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है mm. उसके बियॉन्ड खाना वो भी फैट का क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी अल्टीमेटली शरीर में शुगर बना Correct, बन ब्रेक डाउन करके शुगर so, कार्बोहाइड्रेट्स आर हा बेसिकली शुगर मॉलिक्यूल्स ठीक है तो तो शुगर मॉलिक्यूल्स इन एक्सेस आल्सो तो ये जो चीजें हैं हम इनको कम करें These These are 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 bad 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 calories. So. Are bad calories. calories. calories? calories stay away from them. And what are the good calories? Good calories are whole grains. बहुत सफेद चावल हम सोते हैं महंगा चावल है नहीं अच्छा क्योंकि उसका जो बाहर उसका फाइबर है वो निकाल दिया गया है तभी तो भी वो पॉलिश लगता है ठीक है तो वो आप पॉलिश ग्रेन्स ना खाएं होल grains खाए नट्स वुड दे आर गुड करेक्ट फ्रूट्स आर गुड इन इन लिमिटेड क्वांटिटी वेजिटेबल्स आर गुड तो ये अच्छी चीज़ें हैं नॉन वेज में द लाइटर नॉन वेज लाइक चिकन इज बेटर To with you, I think. दूसरी चीज ये भी है की जो आपने एक बार करा लिया पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगा वही में वैलिडिटी पूछ रही थी <laughs> तो वैलिडिटी तो तब तक है जब आप उसको मेनटेन करोगे विद्दी लाइफ स्टाइल ओके ओके ठीक है ना आप घर जाके गुलाब जामुन छे छे खा लोगे तो ये ट्रीटमेंट क्या करेगा uh, <laughs> so, uh, आपने एमरल के बारे में बताया, ड्रेनेज के बारे में बताया आपने तो व्हाट टाइप ऑफ फैट रिमूवल डू यू रेकमेंड इंजेक्शन ऑफ फैट रिमूवल डू यू रेकमेंड इंजेक्शन लाइपोलिसिस एंड हाउ इज इट डन तो इंजेक्शन लाइपोलिसिस का मतलब क्या है कि इसमें एक इंजेक्शन होता है जो फैट वाले एरिया में हम इंजेक्ट डाल देते हैं तो इंजेक्ट कर देते हैं अब ये कौन से एरियाज हैं जहाँ पर ये इंजेक्शन यूजफुल है वो है डबल चिन तो डबल चिन में के एरिया में ये इंजेक्शन के छोटे 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 पॉइंट्स डाल देते हैं और ये जाके अंदर उस फैट को गला देता है मेल्ट कर देता है इसमें डिऑक्सीकोलिक एसिड

एक बार आए और होकर नहीं नहीं ऐसा नहीं है एमरेल्ड की जो कहा जाता है कि आप आठ सेटिंग्स लीजिए आठ से दस सेटिंग में आपका कम से कम आपका अप टू सिक्स इंचेस लॉस हो सकता है तो ये एमरल्ड के बारे में बोलते हैं और अगर आप यूट्यूब में जाके और भी देखें तो हर जगह यही बोला गया है लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस भी शेयर किए विच इज वेरी पॉजिटिव तो इसमें क्या होता है कि जो हरी लाइट होती है ये जाती है स्किन में जहाँ फैट mm. सेल्स होती हैं और उस फैट की मेल्ट कर देती है उसको फैट को और निकाल देती है अब क्या है ये कैसे फैट मेल्ट कर रही है mm. ये उस फैट सेल की एनर्जी को बढ़ाती है और जो एनर्जी है उस फैट को मेल्ट करती है तो एक हेल्दी तरीके से फ़ैट बेसिकली इट्स मेकिंग यू यूज़ योर बॉडी फ़ैट एज अ सोर्स ऑफ फ्यूअल But, उसी को एनर्जाइज करके बर्न करवाती है हाँ, उसी से खुद से एनर्जी हीट इंक्रीज करके उसी को बर्न करवाती है वट एवर केमिकल प्रोसेस दैट मस्ट बी हैपनिंग इनसाइड जैसे आप फास्टिंग करते हैं ना जब हम फास्टिंग करते हैं जी, जी, तो फास्टिंग में क्या होता है कि हमारे ओह दैट्स इंटरेस्टिंग नाउ आई अंडरस्टैंड दिस में मुझे अब समझ में आ रहा है कि जब हम we when we starve ourselves basically and then we the body ka fat reserve jo hota hai storage hota hai wo starts burning itself to give us energy yeah okay got it um ek aur ek shabd hai jo aajkal bahut casually log karte hain micro needling so uh, how is micro needling with radio frequency done देखिए दो तरीके की माइक्रो नीटलिंग है ठीक है जब कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं थी या ज़्यादा ऐसी टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में नहीं थी तो माइक्रो नीडलिंग में खाली नीडलिंग करते हैं छोटी छोटी नीडल्स होती हैं जो स्किन की नीडलिंग करी जाती है अब जो अब जो हम करते हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्ट है है उसको कहते हैं माइक्रो नीडलिंग विद रेडियो फ्रीक्वेंसी ओके ठीक है एक टेक्नोलॉजी जो बहुत ही पॉपुलर है माइक्रो नीडलिंग की उसको कहते हैं मॉर्फियस एट ठीक है इसमें माइक्रो नीडलिंग भी बहुत ही हाई लेवल की है मतलब बहुत ही सुपीरियर है और साथ में जो इसकी जो एनर्जी रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी भी बहुत सुपीरियर है

फ्रीक्वेंसी फेस पे करें तो इससे स्किन टाइटनिंग होती है कोलाजन स्टिमुलेट एक्टिवेट होती है जॉ लाइन की शेप इम्प्रूव होती है आईलिट्स में जो ढीलापन आ जाते हैं आंखों पे वो बेटर होता है चीक्स लिफ्ट होती हैं और इससे हमारे स्किन में जैसे इरेगुलरिटीज़ uh, आ जाती है ना मतलब जैसे स्कार्स हो गए ओपन पोर्स हो गए पिम्पल्स hmm. के निशान हो गए वो भी इम्प्रूव होते हैं तो दिस हेल्प्स टू इंप्रूव स्मूदनेस ऑफ स्किन ओके इट हेल्प्स टू डू एंटी एजिंग ठीक है इंसान को मतलब यंग लगना आप समझो तीन चार सिटिंग में आप कम से कम चार पांच साल यंग लग सकते हो माय गॉड ठीक है तो ये चीज़ हो गई फेस के लिए आप शरीर के जो लिए जो माइक्रोनिजलिंग आर एफ है वो अलग तरीके से की जाती है उसका हैंडल अलग होता है उस केस में हम करते हैं स्ट्रेच मार्क्स के लिए सेल्यूलाइट के लिए फिर कहीं जैसे स्किन आ, लूज हो गई उस स्किन को टाइट करने के लिए तो इन चीजों के लिए आर्म्स की स्किन लूज हो गई वहां टाइट करने के लिए हाथों में एजिंग आ गई वहाँ करते हैं oh. तो all these things. क्या होती दिस इज नॉट ये वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है कि एक बार आए एंड डन हो गया ना all of this demands time sitting. देखो एंटी एजिंग अगर हम कहें कि हमें यंग लगना है तो वो एक सिटिंग, हर सिटिंग देती है ब्यूटी ऑफ ऑफ मोरफियस इट इज हर सिटिंग uh, uh, okay. आपको हर सिटिंग में रिजल्ट आएगा एंडिम uh, सिटिंग तो तो a... है तो एक सेटिंग ही ले ले। फेस को एंड okay. एज करना चाहते हैं okay. और अगर कोई दो सिटिंग भी ले सकता है मतलब आप समझ, yeah, yeah. तो समझ लीजिए दो से तीन सिटिंग मिनिमम कराने से फायदा बहुत होता है ओके okay. um, uh, यही था बस नंबर ऑफ सिटिंग्राई योर वाटर हाइड्रेशन अच्छा खाइए कैलरीज मेक डोंट ईट एंड ऑल आफ्टर दैट क्या कुछ स्पेसिफिक है बॉडी स्कल्पटिंग के बाद बिकॉज बॉडी अ प्रोसेस उसमें आपने अभी यू पुट इन फैट बर्न करा है तो हमें लाए हैं तो क्या dietary recommendation? Dietary recommendation है कि पहले तो जब हम बॉडी काउंटोरिंग करते हैं उनको कहते हैं कि दो घंटे आप लिक्विड्स लो पहले आने से पहले हमारे okay. पास और जब आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा तो दो घंटे दो तीन घंटे लिक्विड्स पे रहना है ताकि वो जो फैट आपका मेल्ट हुआ है वो इजीली फ्लश हो hmm. दूसरी चीज़ हम कहते हैं कि आप एक कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दो कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा डिक्रीज कर दो या रिस्ट्रिक्ट कर दो एंड प्रोटीन्स बढ़ा दो थर्डली hmm. हम कहते हैं कि आप कोशिश करो कि आप शाम को सात बजे के बाद ना खाओ या रात को आप कार्बोहाइड्रेट्स मिनिमल कर दो या मत खाओ तो ये चीजें करने से ऑटोमेटिकली बॉडी में ना थोड़ी आ जाता है नेगेटिव कैलरीज आ जाता आ, आ जाती है और आपका फैट ही बर्न होना शुरू हो जाता है सो डॉक्टर ट्रीटमेंट तो हो गई हाँ। uh, इसके बाद अगर कोई किसी को ऐसे लगे कि अब मैं फिजिकली फिट भी रहूंगा और यू नो वर्कआउट भी करूंगी हाँ दोबारा नहीं जाऊँगी ट्रीटमेंट के लिए तो आफ्टर ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली जब बॉडी स्कल्पिंग कर आए कोई तो फिजिकल एक्सरसाइजेस की है या उसमें कुछ प्रिकॉशन है तो ये ना बिल्कुल अपोजिटि है जैसे सर्जरी हम लाइपोसक्शन या टमीटा करते हैं तो हम कुछ टाइम के लिए क्योंकि टांके लगे होते हैं तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आप अभी इतने समय के लिए आप फिगरस एक्सरसाइज मत करिए या कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन देते हैं इन केसेस में अगर हम बॉडी का कर

खाओ से खाओ और बॉडी को मूव मूव करो क्योंकि ये ट्रीटमेंट्स पेनफुल नहीं है ना तो पेशेंट को आ, को इंसान करने में कोई तकलीफ नहीं है कंप्लीटली नॉन इनवेसिव लाइक हमारे पास लोग आते हैं वो रेगुलरली एक्सरसाइज या वॉक या जिम कर रहे हैं तो हम कहते हैं इसके बाद जाके आपने दो तीन घंटे के बाद कुछ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आज अगले दो दिन के लिए जरूर करनी है wow. और देन फ्रॉम टो ऑनवर्ड यू कैन कम बैक टू योर नॉर्मल एक्सरसाइज सो अस्थेटिक प्रोसीजर है uh, वो होता है ना जितना शहद डालोगे उतना मीठा होगा जितना गोड डालोगे उतना मीठा होगा एक बार जब चस्का लग जाता है तो पीपल वॉन्ट टू गो बैक अगेन एंड अगेन डू यू ऑल्सो ऑफ़ द कस्टमर्स एट द लाइफ वेलनेस बिफोर द ट्रीटमेंट्स कि कहीं ऐसा पर्सन आ गया तो फिर हमारा पेशेंट हमारी प्रायोरिटी है ठीक है जो हमारे पास इंसान आया वो हमारी प्रायोरिटी है तो हमारी कंसल्टेशन इतनी एक्सटेंसिव होती है जब हमसे बात कर रहे हैं हमें समझ आती है कि क्या ये इंसान ऑब्सेसिव है कि नहीं है दूसरी चीज़ उस वो अपने ना बिल्कुल जैसे आप एक कमरे में आप पेशेंट से बात कर रहे हैं वो अपने मन की बात बताता है उसकी ट्रू नेचर उसकी ट्रू फीलिंग्स हमें पता चलती हैं तो मोस्ट केसेस में हमें कोई साइको एनालिसिस की जरूरत नहीं होती हम, हम आप ही एनालिसिस कर लेते हैं हमें अलग से किसी को बिठाने की जरूरत नहीं होती हम समझ जाते हैं मोस्ट पीपल मतलब अनलाइक जो लोग सोचते होंगे कि ऐसे ऑब्सेसिव हो जाते हैं मोस्ट पीपल नाइनटी ऑफ द पीपल ऑब्सेसिव नहीं होते It's a very... अगर कोई, मतलब अगर कोई ऑब्सेसिव का मतलब अच्छा लगना चाहता है वो चाहता है अच्छा अच्छा तो आपके लिए मैं ये कर रही हूँ मैं इतना इम्प्रूव कर सकती हूँ मैं इससे ज्यादा इम्प्रूव कुछ कर भी लूंगी तो नहीं कर सकती तो हम उसकी जो एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक बना देते हैं हम उसकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ा नीचे ले आते हैं बता के इतना हो सकता है तो कोई आया है बोल के कि ये तो हाँ, लोग आते हैं मतलब सब लोग फोटो लेके आते हैं बहुत लोग आते हैं ये लिप्स बना दो ऐसे लिप्स चाहिए ऐसे लिप्स आ, ऐसी चीक्स चाहिए ऐसी आईज चाहिए मुझे ऐसे लगना है और कई लोग तो आते हैं कि मुझे ऐसे ही लगना है इस आर्टिस्ट इस, इस सेलिब्रिटी की तरह ही लगना है मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी किमकर और इंडियन इंडियन इज दीपिका पादुक ने दीपिका पादुक जैसे देखना चाहता है कोई? हाँ, वो इतनी सुंदर है तो मतलब किस अच्छा, करोगे ये ये स्किन टोन के लिए भी बड़े आते थे मेरे पास <laughs> स्किन टोन कैसे करोगे मैच द पिकअप नहीं इस... अब मैं हर बंदे की अपनी स्किन टोन होती है तो वी जस्ट मेक द स्किन लुक दिन क्लियर जैसे ये है दीपिका बॉडी के लिए पहले आते थे उसके लिए करीना कपूर के लिए आते थे अब दीपिका रुकने के लिए आते हैं कटरीना <laughs> के एफ <laughs> के लिए आते थे सो so, कोई ऐसा को गया कि हाँ मैं तो कटरीना ही लग रही हूँ या मैं तो दीपिका ही बना दी आपने ऐसे कोई बोल के निकले कभी आपको <laughs> <laughs> लोग सोचते हैं लोग सोचते हैं कि हम कटरीना से बेटर लग रहे हैं और दीपिका पदुकने से बेटर लग रहे हैं बाबा रे आई लाइक इट आई लाइक इट आई लाइक इट आई लाइक इट फिर भी रणवीर सिंह जैसा लड़का नहीं मिलता उन्हें

जैसे मैं किसी पार्टी पर जाती हूँ और कोई लेडीज़ मेरे पास आ रही हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए वो अपने हस्बैंड्स को ज़रूर लेके आती है मेरे पास मिलवाने के लिए कि आपके पैसे यहाँ जा रहे हैं

पंशील में हो तो ऐसे है कि आप इस डॉक्टर को जानते हो क्योंकि ये मैं इसके पास जा रही हूँ तो उसको पता नहीं था कि मैं ही वो डॉक्टर हूँ <laughs> तो मैंने कहा सोच समझ के जाना <laughs> तो जब वो आई मेरे पास और उसने देखा मैं वहां बैठी हूँ तो oh. बोथ ला Oh wow, that's that's some great story. Thank you so much uh, for telling us about the body uh, part when we talk about aging with Alive Wellness. We have Doctor Chabra here with us, and you will be back again for more such episodes. Yeah, uh, sure. Looking forward to have more conversations. Thank you. It was a pleasure talking to you today. Same yeah.